कम्बाखत जल्दी नहीं तो काट के दो टुकड़े करूंगा। कहाँ से लाए थे? जोर से स्पीड कम करो, पूरी उड़ो उधर से। और नाम नहीं पूछा मैं, कौन लाया? औरत लई आदमी लाया पहले वो बता। औरत लई? उसके माँ की रिश्तेदार है, बाप की रिश्तेदार है, बच्ची के खानदान के किधर से? माँ के खानदान से, बाप के खानदान से, किधर से? वो औरत किधर से रिश्ते में होती बच्ची के? हाँ, नाम नहीं पूछा मैं औरत का, किधर से होती रिश्ते में वो बता। बच्ची के से? तो किधर से? अम्मा के खानदान से? उसके क्या अब्बा के? अम्मा के से। अम्मा के है? अच्छा, बच्ची पे जादू करके कितना टाइम हो रहा है ये? बहुत दिन हो रहा। कितने साल हो रहे? 3-4 साल हो रहा। अच्छा, बच्ची का जादू चलाते टाइम क्या लिख गए थे? लिंबू ये बोली थी। हाँ, इसके बाल, चप्पल, मट्टी, कपड़ा, शर्ट क्या लिए थे? कपड़े। कौन से कलर के? काला। अच्छा, वो कौन लेकर था? औरत नहीं लग गई थी, आदमी चुरा के लेकर गई थी। अच्छा, और वो औरत के साथ और कोई मिला लेके? आदमी औरतें और नहीं थी, अकेली थी। अच्छा, और दूसरी बात क्या बोलते? तो वो इसके घर में और किस किस पे जादू करे? बच्ची के माँ पे, बहनों पे, बाप पे, भाई पे? बाल पे करे। अच्छा, क्या बोल के करे? क्या बोल के करे? बहन को क्या तकलीफ देने के वास्ते करे? बहन घर में नहीं रह रही वो। हाँ, नहीं रहना बोल के? अच्छा, और क्या करे? भाइयों पे भी करे? नहीं करे। बाप पे? नहीं करे। कि घर में की कमाई की बरकत क्यों उड़ गई? तू चुड़ा रहा था बरकत सब मिलके? तो औरत है, मर्याल आदमी है? औरत मैं। औरत है तो तुझे कहाँ से पकड़े थे? शमशान से? कब्रिस्तान से? कब्रिस्तान से। अच्छा, जादूगर को कितने पैसे दिए थे जादू करने को औरत ने? कितने दिए थे? हाँ, पैसे नहीं लिया उन्हें। हाँ, करने के बाद लिया ये। अच्छा, तो कितने लिया था करने के बाद? अच्छा, ये बच्ची को कब मारने आले? इसका क्या नाम है? शहनाज को कब मारने आले? कब मारने का बोले तुझे? उसको अम्मास में मार बोले? पुन्नम में मार? मार देते अम्मास में दवा से। हाँ, मार दे बोले थे। भांते की मेरी बेगू। हाँ, अच्छा, उसकी भांते को देख ले रही? देखी मेरी भान बेगू दवा। अच्छा, तो उन्हें दवा कहीं में मिला के खिलाई थी? मेरे को दवा के पास ले गए थे, भाई गए थी। किसको? ये बच्ची को ले गए थे? शाइन, क्या नाम है? शहनाज को ले गए थे क्या? तुझे चिरोड़नी को ले गए थे? किसको ले गए थे? लेके गए थे वहाँ पर। ये शहनाज को ले गए थे क्या? इतने को चिरोड़नी को ली थी मैं दवा की बात। मरने से पहले तेरा नाम क्या था? हम खबरस्तान से पकड़े ना तेको, तो मरने से पहले तेरा नाम क्या था? तू जिन्नात की नस्ल से है क्या? मरे वाले इंसान की नस्ल से है? मरे वाले। हाँ, मरे वाले। तो तेरा मरने से पहले क्या नाम था? क्या नाम था मरने से पहले? हाँ, क्या नाम था? चकड़ो उसको तेज के साथ। ये बच्ची के गर्दन में दांत गड़ा के खून पी रही थी क्या तू? हाँ, हाँ। अच्छा, इसको कब मारने वाली थी? अम्मास में, पुन्नम में? मार रही थी अम्मास में। अच्छा, मार देने का था, टाइम करीब आ गया था। अच्छा, ये बच्ची की बात, और किसको मारने वाले इसके घर से? हाँ, घर से किसी को नहीं। हाँ, खड़े रह के लिए। हाँ, खाली इसको जेब को मार के लिए जा रही थी साथ में, और उसे बहन को घर से निकाल दे रही थी। उसके घर में नहीं रह रही थी उन्हें। अच्छा, तो तुम ही कमा कर रहे थे जादू करने करके? ठीक है, जकड़ लो उसको और तेज एक साथ जकड़ो उसको। जाने का हुक्म नहीं दिया मैं तुझे, नाला सीधा बैठ, अभी काट के भस्म कर दूंगा पूरा। जकड़ो उसको तेज एक साथ। शहनाज को कहीं में मिला के खिलाए थे? दवाई कहीं में मिला के खिलाए शहनाज को? कौन सा खाना था वो? बिरयानी थी। क्या थी? बिरयानी थी। इसके घर पे खिलाए, दावत में खिलाए क्या? उनके घर पे बुला के खिलाए? किसके घर पे खिलाए? किसके? शहनाज के घर पे खिलाए के तेरे घर पे बुला के खिलाए? तेरे घर पे बुलाए थे। ठीक है, जकड़ो उसको तेज एक साथ, जकड़ो उसको। कितने साल से परेशान कर रही थी तू ये बच्ची को? 3 साल से। अच्छा, अब आ गई थी फाइनल डेट ली जाने के साथ में। अच्छा, इसको कैसा मारने आई थी तू? अचानक मार देने आई थी क्या? बीमारी बदल के एक्सीडेंट करा के सुसाइड? नहीं, दवा से। कैसा? दवा। अच्छा, दवा कलेजे की तरफ चढ़ के खत्म कर देने आई थी उसको? ली थी मैं, मेरी भांजी की।
देखो। हाँ क्या देखी उन्होंने? अच्छा देखी, कौन देखी थी? उसका क्या नाम है? देखने वाली का नाम? अच्छा ठीक है, नाम मत बोला अभी, जकड़ के रखो उसको और तेज के साथ। क्या हो रहा था? कितने साल से परेशान हो रही है? तीन साल। उसकी अम्मा की तरफ कोई तो भी औरत है, उन्होंने करी ना जादू को बोले। इससे पहले नाम निकला क्या? नहीं। नाम तो मैं बता सकता तुम आपको, मगर अभी नाम नहीं बताऊंगा, मैं दूसरे चक्कर में नाम बताऊंगा। पहले बोले तो क्या है, लड़ाया हो रहे तुम लोग, आ जाएंगे उनको लड़ेंगे, फिर अच्छा नहीं है सर, शर्म नहीं फैलाने का है। देखो क्या बोलते, तो इलाज करने से मतलब रखना है। और दूसरी बात, जिनके भी नाम निकले उनको लड़ना झगड़ना नहीं है। इधर से आ रहे क्या हमारे वाले? कहाँ से आए थे आप लोग? तेलंगाना आदिलाबाद से। आदिलाबाद से बच्ची को कब मारने वाली रे? कौन से अम्मास में? लास्ट की कि अभी की? कौन सी साल की? कौन से अभी आने वाले? कितने अम्मास बचे आले? हाँ कब? अच्छा कैसा मार देने वाली थी? दिल पे चढ़ा के, कलेजे पे चढ़ा के, पीला के? ठीक है जकड़ो उसको नाला और तेज से। ये जो मसला चल रहा तो ये जो भी आस्थान है, उन्होंने उसका क्या ड्रेस कौन से कलर का लग गया था उसका जादू चलाते वक्त? अच्छा झगड़ के रखो उसको और नाला कुत्ते के साथ। ये जो दास्तान है तो ये जो भी है उनके क्या है नाम, तो अभी निकाल के देता हूँ, मगर नाम अभी कहीं को नाम आगे निकालूंगा, पहले थोड़ा इलाज ले लो, कंट्रोल में दो इलाज, ये सब तबियत को सुधर दो, उनकी मुद्दत तोड़ दो। उसकी मुद्दत बनी आ रही है ना, वो बयान कर रही है ना कौन से अम्मा से मारने का, 3 साल की मुद्दत थी, अब फाइनल हो गए 3 साल का, उसको टाइम दे दिया है, हुक्म देखे कौन से बीच में करना। अब मैं तो मेरे जबानी में पूछा है, सारी दास्तान सुधवानी पकड़ के पूछा दिया, मगर ऐसे हरकतें नहीं करना। ऐसे हरकतें अगर तुम करोगे दूसरे के घर, अगर गर्म पानी से जलाने की कोशिश करेंगे दूसरे के घर में, तुम आग लगेंगे तो तुम्हारे भी तो घर में वो होंगे ना, मार पड़ेगी, भटके पड़ेंगे, आजाब ना दिलूंगा अल्लाह की तरफ से हिसाब, और फैसला लेने वाली जात तो अल्लाह की, हर चीज का हिसाब लेगा, पानी का एक बूंद भी तुमने कहा खर्चे उस मामले में भी तुम्हारे से हिसाब लेने वाले, फजूल में क्यों पानी इतना ज्यादा खर्चा कर, तो ये मामले में तुमसे कैसा नहीं जादू टोना लेंगे? जकड़ के रखो उसको और तेज के साथ नारा आपको, तो तुमको कैसा छोड़ेंगे तुमको? ये सब बातें याद रखो, ये याद रख के अपनी दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत मत बर्बाद करो। तुम किसी के बच्चों पे, किसी घर पे हसद और जलन की वजह से जादू कर रहे, तो तुम क्या सोच रहे जादू करने के बाद तुम अल्लाह के नजदीक और बहुत नेक बन के बैठेंगे? तुम आपको अल्लाह मगफिरत पूछेंगी तुम्हारी, आप तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करेंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी कि जो जादूगर के पास जाता और जो जादू करता वो दोनों हम में से नहीं है, नहीं है, नहीं है, और मैं उनकी शिफाअत भी नहीं करूंगा आश्र के दिन। फिर कहां जाएंगे मगफिरत की दुआ के लिए? कमबख्तों जरा समझो, सारे पैगंबर जिसते है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तो ईसा अलैहिस्सलाम तक, सारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने वाले अपने, उनकी भी मगफिरत की दुआ कराने के वास्ते, क्योंकि उन्होंने बोलेंगे आदम अलैहिस्सलाम कि मैंने गंदुम खाया था जन्नत में अल्लाह की मर्जी के खिलाफ, तो कहां मुझे वो बात से पकड़ के जहन्नुम में ढकलने लगाते, कहां उससे पकड़ होती कि मुझे? मूसा अलैहिस्सलाम के पास लोग जाएंगे, मूसा अलैहिस्सलाम बोलेंगे मैंने एक बुक्या मार के उसको मार दिया था उस शख्स को, पढ़ो वाकई में पता चलेगा, कहां मुझे उस बात से पकड़ होती कि मुझे भी मगफिरत की दुआ करा लो। सारे पैगंबर जितने सब देंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मगफिरत की दुआ कराने, अल्लाह के हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरताज अंबिया इस वास्ते बोला जाता, सारे अंबियाओं के सर के ताज है आप, नबियों के नबी है आप, इस वास्ते नबी है, सारे नबियों के नबी कहा जाता। तो तुम कहां जाएंगे अगर शफाअत नहीं करेंगे? कौन से पैगंबर के पास जाएंगे? कौन से पैगंबर तुम्हारी शफाअत करेंगे? सिर्फ अव्वल व आखिर खातिमुज़्ज़मा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ऐसे हरकतें करेंगे तो तुम पर ये बहुत सारे बातें आजाब दुनिया में भी नाज़िल होंगे और आखिरत में भी तुमको आजाब में गिरा देगा। ये मत करो, किसी का घर गर्म पानी से नहीं जलाना, जिसके घर पे बीतती, जिसके बच्चे मरते, जिस पे ये आफतें नाजिल होती उसको पता चलता क्या तकलीफ रहती। एक तो पैसे से भी इकोनॉमिक कंडीशन से कमजोर हो जाता और पैसा लगा लगा के डुप्लीकेटा जगह जगह बैठे आले कमबख्ता, और जादूगरों के चक्करों में मत पड़ो, जादूगरना तुम्हारे जिंदगी बर्बाद कर देते, तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद कर देते साथ में, क्योंकि उनको अच्छा कुछ करने आता तो नहीं, बैठ के झूठे बातें करते, कांच का गिलास तोड़ने तो सबको आ जाएगा मगर जोड़ने सबको नहीं आता ना। जोड़ने वाली जात और जख्म पे मरहम लगाने वाली जात अल्लाह की है, और अल्लाह अपने चुनिंदा बंदों के हाथ से फैज पहुंचाता। ये सब बातों पर अमल करो, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। कलाम इलाही की ताकत वो है कि जादूगर पूरी जिंदगी भर उसकी जादू टोने की सिद्धि सीखता और पूरी जिंदगी की मेहनत उसकी शैतान या एक चूड़े या एक जिन्नात उन्हें ताबे में लेता।
और देखो अल्लाह के कलाम की ताकत, उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत, उसका घमंड, उसका तकब्बुर, वो शैतान पर जो है जिसको ताबे में लेकर रखे अल्लाह, उसकी अकड़, उसका घमंड, उसका तकब्बुर है वो, उसका गुरूर है वो, और यहाँ पर जब लेके आते तो एक सेकंड में उसके गुरूर को, उसके तकब्बुर को, उसके घमंड को चकनाचूर कर देते हैं हमारे लेड़ा लेड़ा के। ये अल्लाह के कलाम की ताकत है, अल्लाह कलाम के सामने किसी की चलती नहीं, किसी की भी नहीं चलती। सातों जमीन और सातों आसमान में सबसे आला वो अफजल अल्लाह का कलाम। इसलिए अल्लाह के कलाम की रस्सी को मजबूती से थामो, अल्लाह और उसके रसूल की बताई हुई हदीसों पे, कुरान पे चलो, तो ये सब वबाओं से तुम महफूज रहेंगे। और देखकर सर ये मत बोलो कि अरे रे रे ये कोई एक्टिंग तो नहीं कर रहा है, जिस दिन तुम्हारे घर में अगर ये वबा नाजिल हो जाएंगी तुमको भागने रास्ते नहीं मिलेंगे, तौबा करने को रास्ते नहीं मिलेंगे, और कहां जाके सुधरना वो भी नहीं मिलेगा तुमको। बर्बाद हो जाता इंसान, बर्बाद ही चक्रों में पूरा बर्बाद होके लास्ट में जान भी नहीं बचती, लास्ट में शैतान मार के भी लेके चल जाता, क्योंकि डुप्लीकेट इलाज वालों को इलाज आता नहीं, करने खाली बात करने आते उनको बड़े बड़े, और बड़े बड़े बात करके उन्होंने क्या करते, कुछ भी नहीं आता, बाद में पेशेंट जाया हो जाता हाथ से। देखो ना बहुत सारी दास्तान है, बहुत सारी वीडियो मैंने बताया, अल्लाह कहने उस्ताद अगर पावरफुल है तो उसके स्टूडेंट भी पावरफुल रहेंगे, एग्जाम का रिजल्ट भी पावरफुल रहेगा। अगर उस्ताद निखट्टू है, उसको स्पेलिंग लिखने नहीं आ रही, तो बच्चे भी फिर एग्जाम में निखट्टू बैठेंगे और सारा रिजल्ट निखट्टू होगा, कुछ मतलब नहीं रहेगा, रिजल्ट फेल दे बोल के आ जाएगा। इसलिए पावरफुल उस्ताद दुनिया में बहुत कम रखे अल्लाह ने, ये सब ऐसी हरकतें मत करो, और जब तुम पर पलट के पड़ेगा जादू टोना तो फिर तुम कहां जाएंगे, तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होती, भागने रास्ते नहीं मिलते। अल्लाह कहे सुनने से ज्यादा सब अमल करने की तौफीक दे। ये सब बताने का मकसद मेरा ये रहता कि ये ऐसी हरकतें मत करो, तुम्हारे नामा निकाल के मैं क्या बोलते तो पूरी दुनिया के सामने डालूंगा और बताऊंगा तुम्हें से बन मुट्ठी में कर रहे, बन मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की, तो यहाँ खोल के तुम्हारी मुट्ठी खाक करूंगा ही मैं, तुम क्या समझ के एक दूसरे पे जादू टोने कर रहे, बेगैरत हो, शर्म करो, ना लायक हो। चलो इसको बन के डालो इसके अंदर से नाला कुत्ते के साथ, आगे लो उसको इधर, जाओ उसको नालायक को जंजीरा डाल के बन के डाल दो और उतारे के अंदर की सारी शक्तियों को जला के राख कराओ, छोड़ना नहीं उसको, उसके नस नस में की पूरी दवा खींच के निकालने की तैयारी करो। पिलाओ पानी। कितने बहन भाई हैं ये? पांच बहन और दो भाई। हो गए सबके शादियां? नहीं दोनों के। ये कौन है देखो इधर, ये कौन है, कौन है ये, जोर से बोलो कौन है? अच्छा इधर मार्जिन कैमरे पे। ये घर पे ये ऐसी हरकत होती थी बच्ची के आंग में, सिर्फ ऐसा आके ऐसा सताते थे, ये चीजें जो भी शे ये बलाएं जो भी ये दास्तानें ऐसा परेशान करते थे। इससे पहले कभी सवाल जवाब हुए क्या कभी तुम्हारे ऐसा इस काम में आता था तो घर पे? नहीं सवाल जवाब नहीं। इलाजों को तो बहुत जगह बताए होंगे, तो हुआ पानी को भी तो कहीं उनके सामने हुआ क्या कोई इलाज वाले के? नहीं सवाल जवाब नहीं हुआ। सबके सामने शैतान आके सवाल जवाब नहीं करते, एक बार भी शैतान जिन्नात की खास बात है कि कुछ नहीं गिनते उन्होंने। इलाज वाला अगर शैतान और जिन्नात के ऊपर खाली अजीज अरे भी अगर उनको बोल दिया, अगर गाली भी दे दिया तो बराबर बदला लेते, हमला करते और मारते उसको घेर के, उसके घर वालों को, बच्चों को। जहाँ अल्लाह का निजाम है, जहाँ अल्लाह ने फौजे दिया ली, जहाँ ताकत दिया ली अल्लाह ने, वलिया अब्दाला खुतुबा सब चुन के निजाम चलाता अल्लाह उसके हिसाब से। जहाँ अल्लाह का निजाम चलता वहाँ इनकी फिर दाल गलती नहीं, वहाँ पर सर झुका के बैठना पड़ता, वहाँ सब सवाल जवाब बोलना पड़ता, वही सीधा दास्तान रहती। और दूसरी बात क्या बोलते तो ये जब अमल चलते अल्लाह के हुक्म से, तो अमल हर चीज के अलग अलग है, हर चीज के अलग अलग वार है। जिन्नात के वार अलग है, शैतानों के वार अलग है, बदरूहे अलग तरीके से उठा के छोड़ा जाते, शमशान से वार अलग चलते, कब्रस्तान से अलग चलते। जितना तुम इसके डिफिनेशन, जितना इसकी थ्योरी के अंदर नहीं उतनी उसकी डिफिनेशन है, उतने बाल से बारीक तुम्हारे बातें मिलते हैं। इल्म एक समंदर है, तो ये भी एक इल्म एक समंदर है, मगर इस सबका एक निचोड़ है। इन सबके ऊपर एक चीज काबिज है, जो दुनिया के हर चीज के ऊपर काबिज है, जानदार पे भी और बेजान पे भी हुकूमत करने वाला वो अल्लाह। और अल्लाह का कलाम हर चीज के ऊपर
हुकूमत करते, इसलिए बेहतर है कि उसके कलाम की रस्सी को मजबूती से थामना, मजबूती से थामना। मैं तुमको बार बार इस वास्ते ये बातें बताता कि तुम बाज आ जाओ, तुम बचो जादूगरों के पास जाने से। जादूगर इतने बदमाश रहते, इतने बदमाश है, एक तो तुम्हारे बर्बाद भी कर देते, तबाह बर्बाद, जान भी ले लेते तुम्हारी, और दूसरा तुम्हारे कुछ सुधरता भी नहीं, क्या भी नहीं, सब बर्बाद हो जाते लास्ट में, और मर भी जाता पेशेंट, और उसके साथ साथ पूरा घर भी घर हो जाता, हलाक हो जाता, क्योंकि तुम्हारे घर से रहमत अजमत अल्लाह की उड़ जाती ना, जहाँ पर शैतान का साथियों के साथ तुम मिलके अगर शैतान की पूजा करेंगे एक हिसाब से मानागा, तो पूजा चोरी ना हो, तो फिर तुम्हारे पास में रहमत कहाँ से बरसेंगी, चले जाएंगे ना उड़के, रहमत जहाँ नहीं बरसेंगी तो वहां तो आजाब तो आना ही आना है, शैतान की तो कोई औकात नहीं, शैतान खाली बड़े बड़े वादा करता, इब्लीस वो सब मिलके और एंड टाइम पे हाथा उठा के भाग जाता, क्योंकि उसको कुछ आता नहीं, उसकी थोड़ी हुकूमत है, हुकूमत अल्लाह की, जो शैतान पे भी हुकूमत करता, शैतान के सांसों पे भी उसकी हुकूमत, हर चीज पे उसकी हुकूमत अल्लाह की। तो ये समझो, ये समझेंगे तो तुम, और शैतान जो बहकाता दुनिया में, जो इतने दावा खेलता, इतने अमल करता, तो एक बात तुमको मालूम है क्या, शैतान को कुछ कुरान के आयात याद है, कुछ बात उसको याद है, तो उन्हें क्या करता मालूम क्या, उन्हें ये सोच में, उन्हें ये मुगम में है कि मैं जब आखिरी वक्त, जब मेरी भी रूह कब्ज कर ली जाएंगी, शैतान ये सोचता, जब मेरी भी रूह खींच ली जाएंगी तो मैं क्या करूंगा, वो आयातें पढ़ लूंगा लास्ट में, जब वो आयातें पढ़ लूंगा तो वो आयातों की बरकत से अल्लाह मुझे माफ कर देगा, और मेरी मफ़िरत तो उसका ऐसी सोच है, मगर वो निखट्टू को ये मालूम होना चाहिए कि एंड टाइम पे उसके दिल दिमाग से बातें उड़ा दी जाएंगी, उसके दिल दिमाग से वो आयातें भुला दी जाएंगी, वो गुल हो जाएंगी गुल, उन्हें वो आयातें जानकर उन्हें भी ऐसा मुगम में है कि मैं भी तुम्हारे जैसा, तुम कहा था कि उसके साथ बन के जाके एक दूसरे जादू करके सोचते हम दुआ कर लिए, माफी मांग लेंगे, हमको माफी मिल जाएगी, अरे उन्हें भी ऐसा सोचता, मैं पूरी दुनिया को बहकाऊंगा, खुद की परस्तिश करने लगूंगा, और लास्ट में उस रब्बुल आलमीन के सामने मेरी रूह कब्ज होते वक्त मैं वो आयातें पढ़ लूंगा, वो आयातें पढ़ते मेरे को माफ कर दिया जाएगा, ऐसा उसकी सोच है उन्हें गट्टू की, मगर उसको ये नहीं मालूम कि उससे वो आयातें एंड टाइम पे भुला दीजिएंगे, उसके दिमाग से उड़ा लेंगे, जैसा खयामत के टाइम पे किताबें कोरे हो जाने वाले, कुरान की आयातें पूरे उड़ जाने वाले, वैसे वो भी उड़ा दीजिएंगे उसके दिमाग से। इसलिए बाज आओ, उसके साथी मत बनो, इबादत करने वाले बनो, अल्लाह वाले बनो, दिल के अंदर जिक्र अस्कार का नूर पैदा करो, तुम्हारे दिल में नूर रहेगा अल्लाह का, तो तुम कीना कपट हसद जलन करके हरकतें नहीं करेंगे, दुनिया आखिरत तुम्हारी महफूज रहेगी, और तुम्हारे दिल में अगर शैतान के साथियां बन गए, उसके दाग लग गए दिल के ऊपर, तो फिर तुम्हारा दिल पूरा सियाह हो जाएगा, काला हो जाएगा, और शैतान के साथी फिर तुम 100% बन जाएंगे, दुनिया आखिरत गई। चलो, कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे, और क्या बोलेंगे।